ही गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल जुडियन ब्यूटी टाइम्स। दिन की शुरुआत ही मेरे बच्चों को स्कूल भेजने से होता है। सुबह सुबह जल्दी उठकर बच्चों को जल्दी तैयार करके स्कूल भेज दिया मैंने। और आओ मैं आपको दिखाती हूँ, जब स्कूल से ये दोनों आए तो क्या कर रहे हैं। देखो आप, पहले ये दोनों खेल रहे हैं। घर बना रहे हो? ये कैसा घर बन रहा है? बन नहीं पाया, झोपड़ी बना। बाद ना फिर मैंने कहा कि चलो मेहंदी लगा लेते हैं तीज के लिए, कल तीज भी है ना। तो मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा मुझे मेहंदी लगानी है आपको। मैंने कहा चलो ठीक है भाई लगा लो। पहली बार मुझे मेहंदी लगा रही है, आपको दिखाती हूँ इसे मुझे कैसी मेहंदी लगाई है। मेहंदी मैं घर पे ही लगाती हूँ खुद से ही। तो मैंने कहा चलो भाई बच्ची है तो प्यार से बोल रही है तो चलो मेहंदी से लगवा लेते हैं। और बहुत खुश थी मुझे मेहंदी लगाने के लिए। और फिर बाबू भी आ गए, वो भी बोल रहे हैं मम्मा आपको मेहंदी लगाती हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ मैं। और इसे मेहंदी कैसे लगाई देख लो आप, शुरुआत जब ऐसे तो पूरी मेहंदी कैसे लगेगी। कोई नहीं, बच्चे घर पर ही सीखते हैं कोई चीज़ ना, मेहंदी लगाएगी तभी तो आएगा। ऐसे दीदी को लगा लेना, फिर तुम्हें लगा लेना, ठीक है? तब तक ठीक ठीक को पकड़ के रखो आप, ओके? इस हाथ पे तुम लगा देना, इस हाथ पे दीदी लगा देंगे, इस हाथ पे बाबू लगा देंगे, राइट? सब मेहंदी डिजाइनर हो गए मेरे। तो देखिए आप, मेरी बेटी ने आज पहली बार मुझे मेहंदी लगाई है और पहली बार उसने किसी दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाई है। ये है मेरी प्यारी बेटी जिसे मुझे मेहंदी लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बस मुझे शौक तो है, कितने प्यार से उसने मुझसे बोला था मम्मा आपको मेहंदी लगाऊंगी। क्या कर रहे हो? अरे बेटा ज्वेलरी सेलेक्ट करना है, कल तीज है ना, तो सोच रहे सारी ज्वेलरी एक जगह कर लूंगी ना, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सी ज्वेलरी पहननी है। वैसे तीज के लिए मैंने ये वाला मंगाया तो था, पर पता नहीं क्यों थोड़ी कंफ्यूजन तो हो रही है, ये वाला पहननी थी कौन सा पहनने, तो मैं एक जगह कर लेती हूँ, फिर देखते हैं। चलो बैठ कर रखो तो बेटा इस कारण से। और अभी तो थी ज्वेलरी, चूड़ियाँ भी सिलेक्ट करनी है इसमें है, और चलो चूड़ियाँ बाद में सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले ज्वेलरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और ज्वेलरी यहाँ कहीं और रखी है, वहाँ जो है पीछे पीछे। हाँ सब उठाओ, रखा है क्या तुमने पीछे? उतारो तो, कैसे कैसे रखते हैं बेटा? ये वाला बैंगल पहन लूँ क्या कल तीज पे? पहन लो, ये वाला पहन लो या जो राजस्थानी कड़ा लिया था मैंने वो डाल लू। मैंने तीज के लिए लिया था, ले तो लिया था पता नहीं क्यों। सारे देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि कौन सा सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है कि कौन कौन सी ज्वेलरी और किस किस डिजाइन मेरे पास है। जब देखूंगी ना तो याद आएगा इसमें कौन सा, जरा देखें पहले। अच्छा तो ग्रीन ब्लैक वाला है, तो ब्लैक नहीं पहनूंगी, रेस्टोरेंट ब्लैक नहीं अच्छा। देखने के बाद तो मैं सोच रही हूँ जो मैंने मंगाया था ना ये पहन लेते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि कुंदन वर्क में है और रेड वर्क मोती लगी हुई है तो सबको चल भी जाए। अरे यार तो बहुत बुरा फंस गया इसमें, ये बोल रहे हो ना, दिखाओ। सही कह रहे हो, इससे मैचिंग जाएगा ना। चलो इसे पहन लेते, चलो हो गया, तो ये भी जल्दी डिसाइड होगी और सारे मुझे बॉक्स रखने भी पड़ेंगे। पूरा तीज के प्रिपरेशन में ही पूरा दिन बीत गया। चलिए वीडियो मेरी अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू मेरे चैनल पे हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।